दोस्तों कई लोग हैं जो अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए क्या कुछ नहीं करते। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना सबके बस की बात नहीं, लेकिन मैं आज आपको कुछ ऐसे क्रेजियस्ट रिकॉर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ जिन रिकॉर्ड्स को तोड़ना तकरीबन इम्पॉसिबल है। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। नंबर 5, टॉलेस्ट बेड ऑफ नेल्स। दोस्तों हम इंसानों के बर्दाश्त करने की एक क्षमता होती है, लेकिन अगर वही चीज़ हमारे बर्दाश्त से बाहर हो जाए तो कई इंसानों का तो जीना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज हम एक ऐसे ही दिल दहला देने वाले रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे जिसने सबके होश उड़ा दिए। हम एक ऐसे रिकॉर्ड होल्डर ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने नोकीले खेलों पर लेट कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। और मैं सिर्फ एक इंसान की बात नहीं कर रहा, ये कुल 9 लोग थे जिनके ऊपर नोकीले खिलों से भरा हुआ एक बेड था और ये सभी उसके ऊपर लेटे हुए थे जो कि काफी खतरनाक था। इन्होंने ऐसा करके एक बड़ा सा ढेर बना लिया था और इन सभी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। हैरानी की बात थी कि दोनों तरफ से ये नोकीले किलों से घिरे हुए थे। और जरा उस इंसान के बारे में सोचिए जो बिल्कुल बीच में लेटा हुआ था। नंबर 4, विंग सूट जंप इनटू बॉक्सेस। दोस्तों स्काई डाइविंग एक रोमांचक और खतरनाक काम है और इसे कई लोग करते हैं, और इस काम में सबसे जरूरी है पैराशूट। लेकिन क्या हो अगर कोई इंसान बगैर पैराशूट के इसे ट्राई करने की कोशिश करे? आप सोच रहे होंगे कि वो तो जिंदा ही नहीं बचेगा और ये एक बेवकूफी होंगी, लेकिन एक शख्स है जिसने ये काम बिना पैराशूट के किया है। स्टंटमैन गैरी कॉनरी ने फैसला किया कि वो हेलीकॉप्टर से बिना किसी पैराशूट के जमीन पर लैंड करेगा जहां पर एक बॉक्सेस का ढेर होगा। और कमाल की बात है उसने ऐसा कर भी दिखाया। सबसे पहले तो उसने एक स्पेशल विंग सूट डिजाइन किया जो कि उसे 2400 फीट की ऊंचाई से नीचे आने में मदद करेगा, और वो एक ऐसा पहला इंसान बन गया जिसने इस तरह का एक क्रेजी सा स्टंट किया जो कि 80 माइल पर आवर की स्पीड से जमीन की ओर आया जहां पर हजारों की गिनती में कार्डबोर्ड बॉक्स रखे हुए थे। दोस्तों ये स्टंट इतना मुश्किल था, एक छोटी सी गलती उस स्टंट मैन की जान ले लेती, लेकिन फिर भी उसने इस नामुमकिन से स्टंट को कर दिखाया और अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया। नंबर 3, फास्टेस्ट माउंटेन बाइक। माउंटेन और बाइक ये कोई सेफ कॉम्बिनेशन नहीं है, बल्कि इसमें जान का खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन क्या हो अगर आप बाइक पर किसी पहाड़ी की चोटी पर हो और आपको कोई पीछे से धक्का मार दे? ऐसी कंडीशन में आप ब्रेक भी नहीं मार सकते और आपकी बाइक की स्पीड कमाल की होगी। लेकिन एक फ्रेंच मैन एरिक बेरोन ने अपने नाम पे एक खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करा लिया। वो अपनी बाइक को एल्प्स की पहाड़ी की चोटी पर ले गया और उस चट्टान से बाइक को तेज रफ्तार में नीचे की ओर लाकर एक रिकॉर्ड कायम कर लिया। ये चुनौतियों से भरा एक खतरनाक सफर था और कई चीजों ने इस स्टंट को काफी खतरनाक बना दिया, जैसे कि बर्फ और वहाँ की जमा देने वाली ठंड। इतनी फिसलन भरी बर्फ पर बाइकिंग करना कोई आसान काम नहीं, लेकिन उस आदमी ने इतनी ऊंचाई से तेजी से नीचे की तरफ आकर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और नीचे आते वक्त उसकी बाइक की रफ्तार थी 78 माइल्स पर आवर। क्या हो अगर इस खतरनाक स्टंट में थोड़ी सी भी चूक हो जाए? तो जरा इस वीडियो को देखिए। और ये वीडियो बैरन का ही है जिसने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसके इस पुराने वीडियो में हम देख सकते हैं कि उसे काफी बुरी तरह से चोट लगी। उस खतरनाक चूक में उसने अपनी 6 पसलियां तुड़वा ली थी, लेकिन अगले साल उसने ये स्टंट बिना किसी चूक के कर दिखाया। नंबर 2, 157 डे स्विम। दोस्तों स्विमिंग में कई लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम पर किया है, लेकिन ये जो रिकॉर्ड है सच में नामुमकिन सा है। एक ब्रिटिश एडवेंचरर रोज एजेली, जिसने लॉन्गेस्ट स्टेज सी स्विम का यूनाइटेड किंगडम के मेनलैंड में एक रिकॉर्ड बना दिया, जिसने 157 दिन पानी में तैरकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया। इस दौरान उसके शरीर पर काफी चोट भी आई, उस पर जेलीफिश ने भी हमला किया, उसका सूट पूरी तरह से फट गया और इतने ठंडे पानी में स्विमिंग करने की वजह से उसे हाइपोथर्मिया भी हो गया। समुद्र के नमकीन पानी से उसकी जीभ पर भी इन्फेक्शन हो गया। इतनी मुश्किलों का सामना करके आखिर उसने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर ही लिया। अब देखते हैं इस रिकॉर्ड को कौन तोड़ पाता है। नंबर 1, रिस्ट्रेनिंग 4 मोटरसाइकिल। दुनिया का सबसे ताकतवर माने जाने वाला व्यक्ति जिसका नाम फ्रांस मुएलनर है, उसने अपनी ताकत को दिखाने के लिए एक अजीब सा फैसला किया। एक ऐसा तरीका था जिसमें उसे किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि 4 बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल को रोकना था, जिसमें चारों बाइक को रस्सियों से बांधकर उन रस्सियों को उसके हाथ और पैर से जोड़ा गया। अब बारी थी उस व्यक्ति की ताकत दिखाने की। इसके बाद बाइकर्स ने 500 न्यूटन्स का फोर्स लगाकर उस व्यक्ति को जोर से खींचने की कोशिश की। आपको बता दें कि ये स्टंट पहले भी किया जा चुका है, जिसमें एक व्यक्ति ने इन मोटरसाइकिल्स को
10 सेकंड तक रोक के दिखाया था, लेकिन इस व्यक्ति ने उन बाइकर्स को 24 सेकंड तक रोक कर दिखाया और इसी के साथ उसने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपने हैरतअंगेज कारनामे से वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम किया। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।